हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्शंस की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन की, उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे टाइप वन की, जो कि है हमारा इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन। इसके क्वेश्चन को हमारे किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें बोलेगा आपको कुछ डायरेक्शन दे रखी होगी जिसको कि बदल दिया जाएगा। जैसे कहा गया है साउथ ईस्ट को, क्या कहा गया है? साउथ ईस्ट को कहा जाता है। यदि ईस्ट कहा जाता है, पूर्व कहा जाता है। अगर कहा जा रहा है नॉर्थ वेस्ट को, नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट को अगर वेस्ट कहा जा रहा है, अब कहता है कि साउथ वेस्ट को क्या कहा जा रहा है? साउथ कहा जा रहा है। क्या कह रहा है? साउथ कह रहा है। यहां पर कह रहा है कि व्हाट विल बी द नॉर्थ, तो फिर हम कहेंगे नॉर्थ को क्या कहा जाएगा। यही है हमारा टाइप वन इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन, जिसमें कि डायरेक्शन को क्या करेगा, बदल देगा और आपसे लास्ट में कोई भी डायरेक्शन देकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सवाल, ये क्वेश्चन करने के लिए आपके माइंड में हमेशा डायरेक्शन का ये वाला फिगर हमेशा सेट होना चाहिए, अगर आप डायरेक्शन चैप्टर को कर रहे हैं, वरना आप डायरेक्शन चैप्टर को क्वेश्चन भी एक भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें साउथ ईस्ट को क्या कहा गया है, ईस्ट। तो साउथ ईस्ट हमारा कहां पर है? ये है। इससे क्या कह रहा है? ईस्ट कहा गया, तो मतलब क्या कहा गया है? एंटी क्लॉकवाइज में क्या कहा गया है? एंटी क्लॉकवाइज में -45 डिग्री गया है। किसमें गया है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो कि क्लॉक डायरेक्शन में चाल चली जाएगी उसे बोलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज। जस्ट क्लॉक जिस डायरेक्शन में चलती है उसके अपोजिट में अगर चलेगी, जैसे कि ये, तो हमारा क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगी। तो यहां से साउथ ईस्ट से ईस्ट की तरफ गया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? माइनस में 45 डिग्री चला गया है। ये बात तो आप लोग भली बात ही जानते ही होंगे, लास्ट क्लास में मैंने बताई थी कि ये हमारे ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट के बीच के हमारा कितना डिग्री का कोण होता है? 45 डिग्री का कोण होता है। अगर हम बात करें ईस्ट से साउथ के बीच में, मतलब ये ईस्ट से लेकर साउथ के बीच का कोण कितना होगा हमारा? 90 डिग्री का कोण होता है। लेकिन अगर हम बात करें ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में, तो 45 डिग्री का, साउथ ईस्ट से साउथ के बीच में तो 45 डिग्री का कोण। अब हमारी डायरेक्शन क्या गई? एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे गई है, तो साउथ ईस्ट से ईस्ट की तरफ गए हैं, तो क्या हो गया? -45 डिग्री गया है। नॉर्थ वेस्ट को कहा गया है वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा कहां गया है? ये नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से किधर आए हैं हम लोग? नॉर्थ वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज आए हैं, किधर? वेस्ट की तरफ आए हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में भी -45 डिग्री गया है, -45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में कहां गए हैं? साउथ की तरफ गए हैं। साउथ वेस्ट में साउथ की तरफ गए, तो साउथ वेस्ट हमारा यहां पर है, इधर कहां गया? साउथ, साउथ की तरफ। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 45 डिग्री। तो फिर से हमारा कितना गया? माइनस का 45 डिग्री। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप लोग इसी तरह करिएगा, वरना सवाल आपका क्या हो जाएगा? गलत है। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन हम लोगों को डाउट क्रिएट होता है इसमें और गलत करके आते हैं। फिर से अब लास्ट हमारा क्या पूछा गया? नॉर्थ। तो नॉर्थ का पूछा गया, तो नॉर्थ में हम किधर जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, और कितना जाएंगे? -45 डिग्री। नॉर्थ हमारा कहां पर है? ये नॉर्थ से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यूं। नॉर्थ में जाने के बाद हमारा क्या मिल जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा हमारा? आंसर। क्योंकि सभी डायरेक्शन में क्या किया गया था? -45 डिग्री किया गया था, और साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए थे, ना कि हम लोग क्लॉकवाइज में। तो हम लोग नॉर्थ से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें? 45 डिग्री पर नॉर्थ वेस्ट मिल जाएगा। अगर 90 डिग्री चल रहे होते तो हमें क्या मिल जाता? आंसर वेस्ट। लेकिन 45 डिग्री गए हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या मिल जाएगा हमारा? नॉर्थ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था टाइप वन का, इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन का। इसके बाद हम लोग कई सारे टाइप करेंगे, बहुत टाइप इसके बनाए जाते हैं डायरेक्शन चैप्टर से, तो हम वन बाई वन करते जाएंगे डायरेक्शन चैप्टर के हम लोग टाइप्स को। तो आज हमने बात करी टाइप वन की, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइप टू डायरेक्शन चैप्टर के टाइप टू क्वेश्चंस की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।